हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए सर, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हुई और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे आज से, है ना। तो हम लोगों ने वन एफ एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे इन द लास्ट वीडियो। जो लास्ट वीडियो आपको गया था बिफोर समर वैकेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 तक पहुँच गए थे। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। लिखा है इवेल्युएट द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 25 अपॉन अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 80। ये सवाल थोड़ा किताब में गलत लगा, उसको समझना भी ध्यान से। हाँ नहीं, बाद में आप ऑब्जेक्शन करोगे सर कि हमारा आंसर ये आ रहा, किताब में कुछ और लिखा है ना, परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक। तो देख लीजिएगा, मैं बता देंगे कौन सी जगह पे लिखा है गलत। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 अपॉन 4 × 10 माइनस, इसको लिख सकते हैं 16 × 5। हम जरूर क्या करते हैं, जब भी ऐसे नंबर्स में तोड़ा करो जिनमें से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो 40 को 4 × 10 लिखा जा सकता है क्योंकि 4 से 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे नंबर्स में तोड़ा करो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उनमें से एक नंबर कम से कम, अगर ऐसा है तो बढ़िया रहता है। −4√5, यहां तक समझ में आ गया। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हां सर कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/2, ऐसे बाहर कर दिया। क्या बचेगा यहां पे, √10 − 2√5। यहां तक मामला बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। हाँ समझ में आ गया ना, अच्छे समझते जाइएगा बेटा। जो लोग नए हैं वो लोग बेटा पुरानी वीडियोस देख लें, थोड़ा समय निकाल लें अपने पास अलग से, उन वीडियोस पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप SRS एजुकेशन मैथमेटिक्स बाय DD सर के चैनल को ढूंढ लीजिए, उसमें हमारी फोटो लगी होगी, आप उससे पहचान सकते हैं आसानी से। उस पे जाइएगा, उसमें 9th क्लास की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। उस प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस जो आपको अब तक पढ़ाए गए हैं सब कुछ अवेलेबल हैं, अभी हमने हटाए नहीं है, है ना। आप उनको आराम से पढ़ लीजिए, बढ़िया आराम से, ठीक है। वीडियो को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि उनको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज ये वीडियो हमारी क्लास का पढ़ा है, हमें पढ़ना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि आपका वीडियो आसानी से दिखाई दे सके। जब आप तुरंत सर्च पे डालें तो तुरंत निकल के रिजल्ट आए, वो आप लोगों से ही होगा। जब आप उसको लाइक करेंगे ना तो वो चीज़ें जल्दी आपके सामने आ जाएंगी सर्च करने पर। आइए अब यहीं से थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको इसका हमने 25.2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये नंबर लिखा है अंडर रूट में, तो हमने कहा था डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं रहने देना, हमको किसी तरह से इसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए एक मैथड यूज करते हैं, उसका नाम है रेशनलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयकरण। तो हम लोग रेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कॉन्जुगेट का हटाने का तरीका बताया था पिछली क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब बीच के साइन को बदल दे रहे हैं, प्लस माइनस, अभी तो ये तो ऐसे ही लिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बना, अंडर रूट 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2√5। यहां तक बिल्कुल किताब में आपका सही लिखा है। अब उसके बाद जब इन्होंने क्या किया, देखो ये क्या लिखा है, इसको पढ़ना ध्यान से। ये लिखा है ए माइनस बी और ये लिखा है ए प्लस बी, तो इसको ए मान रहे हैं हम लोग, इसको ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं। तो अगली स्टेप में क्या आना चाहिए, 25/2, ऊपर ऐसे लिखा रहेगा अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन, नीचे ऐसे लिखा रहेगा, क्या नीचे क्या होगा कि अंडर रूट 10 का स्क्वायर। उन्होंने यहां गलती कर दी है भाई, आपने अंडर रूट 10 को ए माना है ना, उन्होंने 10 लिख दिया वहां पे किताब में और उसकी वजह से आंसर में मिस्टेक आ रही है। इस चीज को आप समझ करके काम करिएगा, पुरानी किताब में हो सकता है नई किताब में संशोधन हो गया हो तो सही लिखा हो, कोई दिक्कत, हमारे पास पुरानी किताब मेरे सामने समय दिख रही है, मैंने बता दिया। उन्होंने ये क्या किया, यहां पे 10 का स्क्वायर लिख दिया है।
अब 10 का स्क्वायर लिखें तो 100 आएगा, दिक्कत करेगा ना कैलकुलेशन, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, तो काफी डिफरेंस होने वाला है दिक्कत में, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, चेक करिए ऊपर 25.2 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन ये क्या बना 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 गुणे 5 कितना हो गया 4 पंचे 20, फिर से देखिए ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 4 गुणे 5 करोगे 4 कितना आएगा 20। अब किताब में यहां क्या किया 100 माइनस 20 किए, किताब में इन्होंने क्या किया 100 माइनस 20 किया, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत आई है आंसर में, मिस्टेक प्रतीत होती है आपकी, है ना। हाँ तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, बस और कुछ हमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, बहुत आप समझदार बच्चे। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ 100 लिखा 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 80 गुणे दो करें तो 160 आ जाएगा, वो दिक्कत कर रहा है, वो आंसर में नहीं आया। अब यहाँ क्या आ रहा है हमारे हिसाब से, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 इसके साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस का 25 अपॉन 20 लीजिए, देखो ध्यान से, माइनस का 10, 10 गुणे दो तो माइनस का 20 हो गया। अंडर रूट 10 की वैल्यू सवाल में देखो दी गई होगी, सवाल देखिएगा ध्यान से, उसमें अंडर रूट 10 की वैल्यू दी है, कितनी दी है 3.162 प्लस 2, अंडर रूट 5 की वैल्यू भी उन्होंने शायद दे रखी है, अंडर रूट 5 की वैल्यू देख लीजिएगा कितनी दी है, अंडर रूट 5 की वैल्यू भी सवाल में दी होगी, कितनी दी है 2.236। अब इसको कैलकुलेट करने को बोलने भाई क्या करना है, इसका 2 का इसमें इसमें मल्टीप्लीकेशन करा देना, ये कट रहा है 5/4 लिखी जाएगी, 3.14 ये जो ऐसे लिखा है इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 6 = 12, 6 × 7 2 × 4 2 × 4 चेक कर लीजिए, जब इसको जोड़ लेंगे 4 × 7 = 13 4 × 5 = 6 ठीक है, और इनटू और 6 × 4 = 7 इनटू -5/4 यहां तक ये अंदर का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आ रहा है, बस यहां पे मिस्टेक आ रही है, वहां पर उनका उनके आंसर में लिखा 5/32 यहां चल रहा होगा, क्योंकि 80 आया था ना उनका, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही, उसकी वजह से समस्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड करा देना और जो आंसर आए देखिए जो आंसर है अप्रॉक्सीमेट आप आंसर कर लीजिए। अब ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे कि करें, कर देते चलिए, अच्छा भाई माइनस 5 × 20 = 0 5 का गुणा करा रहे 5 × 20 = 0 ध्यान से देखते जाइएगा 5 × 20 = 0 5 × 15 = 15 2 × 17 = 7 ठीक 5 × 30 = 30 31 = 1 बचा कितना 3 5 × 7 = 35 35 × 3 = 38 38.17/4 अब 4 से डिवाइड करिए यहाँ वाली डिजिट भी ऊपर वाली मैच करा ली होगी 38.17 नीचे 32 उनका बचा हुआ है और वो भी पॉजिटिव 32 तो प्लस में नहीं आएगा उनका प्लस में आ रहा है तो ये मिस्टेक उसको सही कर लेना बस मतलब इतना आपको माइनस इसको डिवाइड करना 4 × 36 पॉइंट कितना बचा कितना बचा 2 बचा 2 और 1 = 21 हो गया 4 × 5 = 20 फिर 1 बचा 4 × 6 = 16 फिर 1 बचा 4 × 8 4 × 5 = 20 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी ये आंसर आना चाहिए। तो ये पहला आपके पास एक एग्जांपल जो बचा हुआ था उनमें से आपको बताया गया ठीक है ना परेशान नहीं होंगे धीरे धीरे सारे एग्जाम खत्म करवा रहे हैं जिनको नहीं आता वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने कि आपने रिवाइजेशन जो पढ़ा था जहाँ छूटा था उसको आप रिवाइज भी करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे है ना। हाँ समझदारी से काम करिएगा वीडियो को बराबर देखते रहिए अटेंडेंस जिस टाइम पे मांगी जाए आप नीचे भी ध्यान दीजिए जैसे हमारा आप कमेंट आएगा कि आप अटेंडेंस सेंड करिए आप अटेंडेंस सेंड करेंगे तुरंत जब वीडियो स्टार्ट होगा तो अटेंडेंस देनी है जब वीडियो समाप्त होगा तो अटेंडेंस देनी है पूरे टाइम आपको लाइव रहना है अदरवाइज मैथ की अटेंडेंस काउंट हम नहीं करेंगे ठीक है ना। हाँ चलिए चलिए क्या लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए और बी की वैल्यू निकालनी इफ 7 + 3 √5 अपॉन 3 + √5 अब वो दूर रखा है बेटा तो दिखाई नहीं देता तो जाना पड़ता बार बार उसके पास माइनस 7 − 3 √5 अपॉन 3 − √5 इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5 बी
इन्होंने हमको बता दिया कि आपका आंसर जो आएगा वो इस तरह से करके आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी की वैल्यूज कंडीशन में चाहिए। कोई बात नहीं, इधर तो कुछ नहीं करना, इधर करना है। इधर पहले आप एलसीएम ले लीजिए, पहले क्या करिए आप, पहले ही आप एलसीएम ले लीजिए फटाफट, मेरे हिसाब से चलते हैं ठीक। क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या बनेगा, 3 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 5, चेक कर लीजिए। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 3 प्लस 5, जो भी लिखा है आपके सामने ऐसे लिख दीजिए, इन टू 3 माइनस रूट 5 एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड बाई कट जाएगा, ये बचेगा इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 इन टू 3 प्लस रूट 5, ऐसे लिख दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तरीके अलग अलग, उन्होंने क्या किया, इसको रेशनाइज करेंगे, इसको रेशनाइज करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। हम तुरंत करके चल रहे हैं, इसका इसके साथ गुणा, 7 + 21 इसका इसके साथ गुणा प्लस 9 √5, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस 7 √5, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस में आएगा 3 और √5 √5, जब दो बार √5 √5 ऐसे लिखा होता है तो आपने पढ़ा होगा एट्थ में कि ये 5 बन जाएगा, तो ये इंटू ये करेंगे √5 √5 5 बना, 3 पहले से लिखा तो माइनस का 15 हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस, यही कार्यक्रम यहाँ करना है, दिस इंटू दिस 21, दिस इंटू दिस माइनस का 9 √5, ठीक करते जाइएगा, है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो प्लस 7 √5, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस, माइनस कितना वही 15, चेक कर लीजिएगा, अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो चल रहा है वो चल रहा है a प्लस अंडर रूट 5 बी, क्या बचा है ये और ये घट छूट दिया, देखिए ये और ये कितना हो रहा है, 21 में से 6 चले जाएंगे, मतलब 21 में से 15 चले जाएंगे, 6 बचेगा, प्लस ये और ये कैलकुलेट हो रहा है, कितना बचेगा 2 √5, ओके सर 2 √5 सही है, माइनस ये और ये घट रहा है, देखिए कितना बचेगा 6, और ये और ये घट जुड़ रहा है, इस बार माइनस का 2 √5 बचेगा, अपॉन नीचे आइए ये 9 और ये माइनस का 5 बराबर ए प्लस अंडर रूट बी 5 बी, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं दो, क्या वैल्यू आएगी 6 माइनस प्लस 2 √5 माइनस 6 प्लस 2 √5 अपॉन ये और ये कैलकुलेट होगा कितना देगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5 बी, बोलिए सही है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये जो वैल्यू आएगी इधर लिख रहे हैं यहाँ पे, ये और ये जुड़ गया, ये बचा 4 √5 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5 बी, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5 बी, यहाँ तक मामला सही है, सब कुछ एकदम आपने अच्छे से इसको समझते हुए चले आए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नहीं। अब जरा इसको इस फॉर्मेट में बनाइए, इधर भी जैसे इधर ए प्लस तो इधर कुछ नहीं, ए ए बनाने के लिए मतलब इसके साथ हम ऐसे कर लेते हैं 0 प्लस, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, 0 के साथ और रूट 5 ऐसे लिखा रहा इन टू इसके साथ 1 लिख दिया इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5 बी, यानी इस रूट 5 को अगर ऐसे लिखें तो वैल्यू कोई फर्क थोड़ा पड़ा, लेकिन फॉर्मेट बन गया, देखो मिलाओ ए की जगह क्या लिखा है 0, रूट 5 की जगह क्या लिखा रूट 5, बी की जगह क्या लिखा 1, तो देखिए भैया ए की वैल्यू क्या हो गई, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया सवाल था बेटा, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, अच्छे से नोट करिएगा, समझ में आया ठीक से, आराम से समझ करके नोट करिए, किताब में मेथड दूसरा है, हमने दूसरे तरीके, हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, उन्होंने रेशनलाइजेशन से सॉल्व किया, बातें दोनों सही हैं, आपको जो अच्छा लगे हमने ऐसे समझा दिया, आप किताब से देख करके एक बार समझ लेना, जो पसंद हो आप उसको यूटिलाइज करिए, ये जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको, आपको सही रास्ते से काम करना है, समझ गए, जो पसंद आ जाए, जो समझ में आसानी से आ जाए, जिसको आप सही समझ सकें उस चीज को लेके चलना है, ठीक है, मिटाएगा मिटा देना, हाँ अगर आप न नोट कर पाया करें तो आप वीडियो को रोक करके बाद में, अभी तो मान लो नहीं नोट कर पाए कोई बात नहीं, बाद में दोबारा फिर से चला करके धीरे धीरे देखते जाइए, और जहां न समझ में आए दोबारा देख करके रोक करके आराम से नोट करिए, समझिए दो बार तीन बार, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा परमानेंटली, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक आपके वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद बाद में देखेंगे क्या करना है उनका, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं।
अगला एग्जांपल हमारा है, क्या लिखा है, वन अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट एट, बीच में फिर माइनस लगा है, वन अपॉन अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट सेवन, फिर बीच में प्लस लगा है, वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स, फिर बीच में शायद माइनस लगा है, वन अपॉन अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव, और इज इक्वल टू लाके देना है, अभी और भी है आगे, और भी आगे, प्लस वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस टू इज इक्वल टू लाके देना है फाइव, प्रूफ करके देखना है, मतलब शो करना है कि इस पूरे की वैल्यू ये आएगी, मतलब ये आंसर आना चाहिए पांच लाना है, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर में कितना आना चाहिए, ओनली फाइव आना चाहिए, ठीक है ना। आप थोड़ी इंक धीमी हो रही है, दिखाई कम दे रहा होगा, इसमें थोड़ा इंक फिल कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, आप परेशान नहीं होइए, वेट कर लीजिए। हाँ जब ऐसे मौके पे हम इंक भरे उतनी देर में आप लोग अटेंडेंस सेंड कर दिया करिए, है ना, उतनी देर में फटाफट फटाफट सब लोग अटेंडेंस अपनी सेंड कर दिया करिए, तो एक स्पॉट है यहाँ पे आप अटेंडेंस सेंड कर सकते हैं, ये तो होगा ही, तो करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ाते रहेंगे तो इनको तो फील कम होगी क्योंकि मैथ्स में थिंक बहुत लगती है। चलिए सर, एक दो तीन चार पाँच टर्म है हमारे, और सब टर्म में रेशनलाइजेशन, सब में रेशनलाइजेशन, क्योंकि सबका अगर आप एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब एलसीएम नहीं लेना, दो टर्म होते तो ठीक एलसीएम ले सकते थे, अब क्या करेंगे सबका रेशनलाइजेशन, इसका करिए, इसका करेंगे तो वन अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट एट, यहाँ पे आएगा थ्री प्लस अंडर रूट एट, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा थ्री प्लस अंडर रूट एट, रेशनलाइजेशन हो गया, ऐसे इसमें माइनस, यहाँ पे आएगा अंडर रूट एट प्लस अंडर रूट सेवन अपॉन, नीचे देखिए अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट प्लस अंडर रूट सेवन, ठीक, प्लस यहाँ पे आएगा अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स, सबका रेशनलाइजेशन करते चले, माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट सिक्स इंटू में अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव, सबका रेशनलाइजेशन हो रहा है ऊपर और कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा के लिखिए क्योंकि सब में ब्रैकेट लगा के ऊपर भी अच्छा लगेगा, ब्रैकेट लगा के लिखिए, ठीक है, माइनस ए सॉरी लास्ट में प्लस अंडर रूट फाइव माइनस बन जाएगा प्लस, फिर नीचे आएगा अंडर रूट फाइव माइनस टू और अंडर रूट फाइव प्लस टू, चेक करिए सब में रेशनलाइजेशन हो गया, कैलकुलेशन करिए, ये क्या लिखिएगा अंडर रूट थ्री माइनस ए सॉरी प्लस एट अपॉन नीचे ए, यहाँ पे कुछ हमने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे थ्री लिखा है ना, हाँ तो कि अंडर रूट थ्री नहीं होगा बेटा, यहाँ थ्री होगा सर, ठीक है, तो थ्री प्लस अंडर रूट एट, यहाँ पे प्लस अंडर रूट एट है, गलत लिख दिया था उसको सही कर, मिस्टेक हो गई, थ्री प्लस अंडर रूट एट ऐसे लिखिए, नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी नाइन और बी का स्क्वायर अंडर रूट एट का स्क्वायर करें तो एट आएगा, ऐसे प्लस इसमें माइनस, ब्रैकेट अभी भी लगा के रखिए, अंडर रूट एट माइनस प्लस अंडर रूट सेवन अपॉन एट माइनस सेवन, ए का स्क्वायर रूट एट का स्क्वायर एट आएगा, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आएगा, प्लस अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपॉन सेवन माइनस सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव, नीचे सिक्स माइनस फाइव प्लस अंडर रूट फाइव प्लस टू अपॉन फाइव माइनस ए, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो गया, दो का स्क्वायर करेंगे चार आएगा, ऐसे लिख दीजिए, चेक करिए, नौ में से आठ गए, नाइन माइनस एट वन, यानी यहाँ क्या आएगा थ्री प्लस अंडर रूट एट अपॉन वन माइनस अंडर रूट एट प्लस अंडर रूट सेवन अपॉन वन, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपॉन वन माइनस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव, ब्रैकेट डेटा बहुत यूजफुल होते हैं, गलती नहीं होगी क्योंकि प्लस माइनस का क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत आएगी, सबके नीचे मान लिखा वन का कोई मीनिंग नहीं, तो अगले स्टेप में क्या लिख जाएगा थ्री प्लस अंडर रूट एट लिख जाएगा ना, थ्री प्लस अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट एट प्लस अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर टू, अब क्या करिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए जहां माइनस उनको ऑपरेट करना है, थ्री प्लस अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स
माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2। देखिए प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 ये कट गए ना, सब बीच के कट गए, कितना कितना बचा 3 बचा और प्लस 2 बचा, कुल मिला कितनी आंसर आ गई 5। यही लाने कहा गया था, सो दैट 5 प्रूफ कर दीजिए। अच्छा सवाल नोट कर लीजिए बेटा, अच्छे से नोट करिएगा है ना। हाँ समझते चलिए, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई नहीं मम्मी, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना। अगर कहीं आपको लगे कि नहीं सर दिक्कत हो गई इनको तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 12 बिल्कुल इसी पैटर्न जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को हमने किया था ना, इसके पहले बड़ा वाला इसमें रूट फाइव रूट टेन के रूट फाइव की वैल्यू, वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, नहीं आए तो आप हमसे पूछिएगा, इसलिए हम इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी ना, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। उसमें भी आपको क्या दिया, तीन आपको रेशनलाइजेशन के सवाल दिए गए, तीनों को आप रेशनलाइज करिएगा अलग अलग, फिर जो लास्ट में रूट टू रूट थ्री रूट सिक्स बचे उनकी वैल्यूज रख दीजिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा, ना आए तो पूछिएगा, ठीक है। तो हम 12 नंबर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आइए सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ पढ़ते हैं धीरे धीरे, 13 नंबर पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निशान लगा लीजिएगा, चिन्हित कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, निशान लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू इफ इफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, करें तो किसकी वैल्यू चाहिए, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मांग रहे हो आपसे, ठीक, इसकी वैल्यू मांग रहे हैं x square plus 1 upon x। देखो बेटा इसकी वैल्यू अगर निकालनी तो पहले यहां पे समझ लो, x square plus 1 upon x square से x square को ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप में इसको ऐसे लिखा जा सकता है x का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon x का होल स्क्वायर, इस चीज को ये लिखा जा सकता है। आपके पास x की वैल्यू तो है यहां, जब चाहेंगे तब रख देंगे, और आप अगर 1 upon x की वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें 1 upon x की वैल्यू यहां रख देंगे तो काम बन जाएगा, तुरंत स्क्वायर करके सॉल्व करना, तो x की वैल्यू ये है, तो 1 upon x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 1 upon x का मतलब क्या हुआ, 1 upon 3 plus 2 root 2, अब जैसे ही लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशनलाइजेशन मांग रहा है ये, क्या किया 3 minus 2 root 2 को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, 3 minus 2 root 2 ऊपर देखिए क्या गया, 3 minus 2 root 2 ऐसे लिखा ना, नीचे देखिए a plus b a minus b a square minus b, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और फिर root 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, कुल मिला क्या वैल्यू आई 3 minus 2 root 2 upon 1, क्या वैल्यू आई 3 minus 2 root 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 1 upon x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू होगी और ये 1 upon x की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू यहां लेके चल पड़ो, x की वैल्यू कितनी 3 plus 2 root 2 power square और 1 upon x की वैल्यू कितनी है, 1 upon x की पूरी वैल्यू क्या है 3 minus 2 root 2 power square, अब होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर 2 root 2 का स्क्वायर करो 8 आएगा b स्क्वायर प्लस 2ab 2 a और b, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे यहां ये प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये पूरा पूरा टर्म कट गया 9 और 17 ये 17 रहा वो भी 17 रहा, टोटल जोड़ दिया कितनी वैल्यू आ गई 34 आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ जाते हैं, इफ ये देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, चार ऑप्शन लिखे नीचे 34 33 36 कुछ भी आंसर सही करिए है ना। हाँ अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, बनाइए इसको अपनी जिम्मेदारी में, अपनी जिम्मेदारी में लीजिए इसको, समझ में आ गया ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, परेशान नहीं होना है, धीरे 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 तुम बड़े चलोगे, स्थिति बनाते चलते चलिए, चलो आगे देखते हैं। अब उससे बढ़िया सवाल एक और आगे लिखा होगा, उससे बढ़िया सवाल एक और आगे लिखा होगा, क्या लिखा है, x is equal to 5, x की वैल्यू कितनी, x is equal to 5 minus under root 21 upon 2, ये लिखा हुआ है, x is equal to 5 minus under root 21 upon 2, ठीक, then prove that, क्या prove करने कह रहे हैं, कह रहे हैं prove that x cubed plus 1 upon x cubed, ठीक अच्छी बात है, देखते हैं इसके बारे में, माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स,
इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए, यानी जीरो आनी चाहिए। चलिए मतलब बहुत सिंपल सवाल, पहले x की वैल्यू दे दी 1 / x, आप निकाल लो x अगर ये है तो 1 / x कितना हो जाएगा, इसकी तैयारी कर लेते पहले। 1 / x मतलब 1 / 5 - √21, और ये 2 कहां नीचे ऐसे लिखा, केमिस्ट्री में ऊपर चला जाएगा 2 / 5 - √21। रेशनाइजेशन का रूल लगाया 2 / 5 - √21, 5 + √21, 5 + √21, चेक करो क्या वैल्यू बनेगी, 2 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन, नीचे देखना a प्लस बी, a माइनस बी दोनों लिखें, a माइनस बी a प्लस बी, 25 माइनस 21 कैलकुलेशन करेंगे, 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 बाहर लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, 2 से इसको काट दीजिए क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2। देखिए x की वैल्यू 5 माइनस 2 अंडर रूट, ये इसकी ये बन गई, यानी इसकी जब चाहेंगे वैल्यू आप इसकी तैयारी पहले कर सकते हैं, जब चाहेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, सबकी वैल्यू एक एक करके, मतलब तीनों चीजों को अलग अलग सॉल्व कर लेना, पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, तीनों की वैल्यू उठा के फिर बाद में वहां रखवा देंगे हम सब। चलिए एक्स क्यूब प्लस 1 / एक्स क्यूब को लेकर चल पड़े, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते, एक्स का होल क्यूब, 1 / एक्स क्यूब को लिख सकते 1 / एक्स का होल क्यूब, इसकी वैल्यू को मंगाया, कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 का होल क्यूब, और यहां कितना आएगा 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 का होल क्यूब, चेक करो होल क्यूब, स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, होल क्यूब किसकी बात कर रहे हैं, होल क्यूब की बात कर रहे हैं। हाँ बहुत ही ध्यान से आराम से चलिए, जल्दबाजी ना मचाइएगा नहीं दिक्कतें आएंगी। चले बढ़े बोलिए, एक और तरीका है, इसमें और कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना, फॉर्मूला तो उसमें भी चाहिए होगा, इस मेथड में भी चाहिए, उस मेथड में भी चाहिए, कैलकुलेशन बस इसमें ज्यादा होगा उसमें कम होगा, दोनों भी बताएंगे। a a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब कितना आ गया 5 का क्यूब करेंगे तो 125, चेक करते चलना आराम से, माइनस b क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 21 अंडर रूट 21, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a, a कितना है 5, b कितना है अंडर रूट 21 इन ब्रैकेट a माइनस b। देखिए भैया ध्यान से, बहुत ध्यान से, थोड़ा भी इसका भी कैलकुलेशन आगे चलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन ये 8 बन जाएगा, ऐसे ये प्लस ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा 125 प्लस 21 अंडर रूट 21 इसका क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब थोड़ा जगह कम होने की वजह से थोड़ा नीचे ऐसे करके लिखा है प्लस 3a और इधर से लिखना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं, इधर से लिखना है प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू अंडर रूट 21 इन ब्रैकेट 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 8। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, सेम एलसीएम तो 8 एलसीएम लिख दीजिए नीचे फटाक से, पहले काम खत्म करिए जो बवाल खत्म करते चलिए, ध्यान से देखते जाइएगा 125 ऐसे लिखा था माइनस 21 अंडर रूट 21 ऐसे लिखा था, 5 का 15 15 ही हो गया, इसका गुणा इस 5 के साथ हो गया 75 हो जाएगा, तो माइनस 75 अंडर रूट 21, इस माइनस का गुणा जब इसके साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया 5 का 15 5 का 15 ये होगा अंडर रूट 21 अंडर रूट 21 यानी 15 गुणा 21 आ जाएगा, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे लिख लीजिए 5 * 3 * 5 15 हो गया अंडर रूट 21 अंडर रूट 21 क्या बन गया 21। अब इसमें आइए, इसमें सब प्लस में रहेंगे, यही संख्या रहेगी 125 प्लस 2 ये ऐसे लिख दीजिए ठीक, 5 के 15 75 कितना बनेगा प्लस 75 अंडर रूट 21 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 के 15 15 गुणा 21। अब जो कटे उनको काटिए जरा, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये काम खत्म हो गया, क्या क्या बचा, ये बचा 125 प्लस 125 और इसका इसका मल्टीप्लीकेशन 15 एकदम 15 की 5 15 गुणा 30 30 31 30 31 देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, सीखना ये भी चाहिए आपको, आना हर मेथड चाहिए, ये और ये जुड़ गया
मतलब ये और ये कैलकुलेट हो गया, ये ऐसे लिखा रहा प्लस 125 प्लस 315 बटे 8 जोड़िए, इसको 301 440 ये 880 हो गया, कितना हो गया ये 880 बटे 8, कितनी बार कटेगा 8 × 8 = 8 × 8 110 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर डाली और धीरे धीरे करके जो निकली आपके सामने आ गई कितनी आई 110, एक कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक, आइए सर थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, हमें दूसरा मैथड भी बताएंगे, परेशान नहीं होना, ये वाला चीज मिटाई आपके पास नोट होनी चाहिए। ये अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5 − √21/2 प्लस 5 + √21/2 है ना, चलिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे 25 + 21 − 5 √21/4 a² b² − 2ab 2 a और b एक साथ लिख दिया प्लस, ऐसे यहां देखिए 25 + 21 + 2 × 5 × √21/4 थोड़ा जगह की कमी होने में इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे देखिए ऐसे 4 आ रहा है, हाँ सर 4 आ रहा है, ऐसे 4 एलसीएम कर लिया, क्या लिखा 25 + 21 - अब जब एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, ये और ये संख्या कट जाएगी सीधे सीधे, काम खत्म कर दिया है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 25 + √21 ये बचा लिख दिया, जोड़िए 20 + 40 = 46 + 46 = 46 + 46 = 46 + 46 = 4 जोड़ दीजिए जरा 80 = 92 92/4 4 से काटिए 4 दूनी 4 × 4 = 4 13 × 52 हैं, क्या कर रहे हैं 4 दूनी 8 दो बार कटेगा और फिर एक बचेगा 4 × 3 = 12 23 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ गई x² + 1/x² यानी इसकी भी तैयारी हमारी होगी, ओके हो। अब एक और बचा है x + 1/x ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्या आएगा 5 − √20/2 और प्लस 5 − √21/2 एलसीएम कितना आया 2 एलसीएम आया 5 − √21 + 5 + √21 ये कैंसिल हुआ ऊपर 10/2 को कुल मिला क्या वैल्यू आ गई 5 तीनों चीजें आपने सॉल्व कर ली ना दो मेथड हैं एक ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आना आपको ये भी चाहिए आप मान लो इस तरह से चल पड़े तो कैसे करेंगे वो भी सीखें दोनों सीखना है चलिए वो टेक्निकल है ये टेक्निकल नहीं है अब आप क्या करेंगे आप सवाल की एलएचएस उठा लेंगे क्या उठा लेंगे सवाल का एलएचएस लेके चल पड़े एलएचएस उठा लीजिए यहाँ पे लिख देते कहाँ लिख देते इधर ही लिख लेते यही लिख लिया यही लिख लिया जाता है ना चलिए यहीं से थोड़ा सा इसकी वैल्यू कितनी आई थी इसकी वैल्यू कितनी आई है 110 यहाँ लिख दिया 110 माइनस 5 गुणे x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी 23 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 5 चलो कैलकुलेट करो 110 माइनस 115 5 × 15 × 5 = 10 = 11 और प्लस 5 ये कुल मिला कितना 115 प्लस का हो गया माइनस 115 हो गया कैलकुलेट किया वैल्यू की आ गई प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया ठीक चलिए इसी का दूसरा ऑप्शन देखते हैं चलिए मिटाएं दूसरे ऑप्शन में क्या करना है थोड़ा सा उसको भी समझना इसको मिटा दे रहे हैं दूसरे ऑप्शन पर एक्स की वैल्यू दी है पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे निकाली थी फिर जब ये हो जाएगा तो सबसे पहले वैल्यू अब इसकी निकालेंगे आपको एक्स की वैल्यू कितनी दी थी 5 − √21/2 आपने तुरंत ये वैल्यू निकाली थी दिखाया था हमने इसलिए इसको दोबारा नहीं कर रहे हैं ये आप कर चुके हो इससे आप अभी फाइंड किए थे अभी फाइंड किया था ना अभी निकाला था इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप भ्रमित ना हो निकाला था पीछे थोड़ा सा बैक करके देखेंगे आप बगल में निकाल के दिखाया था एक्स की वैल्यू ये थी 1/x की वैल्यू ये थी ठीक इसको हटा दे रहे हैं चलिए एक्स की वैल्यू ये 1/x से फटाफट सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए यानी अब आपको एक वैल्यू मिल गई हेंस x + 1/x = कितने की 5 पहला काम इक्वेशन नंबर 1 बना दी अब सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड स्क्वायरिंग करा दीजिए इस बार स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड दोनों साइड का स्क्वायर करा दीजिए
क्यों स्क्वायर करा रहे हैं अभी पता चल जाएगा, x प्लस वन अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल 25 के, इधर स्क्वायर करें 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 2 बराबर कितने के 23, यानी आपके पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 23, ये दूसरी इक्वेशन बना के रख लीजिए। ठीक, अब इसी की लाइन का क्यूब करा दीजिए, क्यूब क्या करा दीजिए क्यूब, क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करा दीजिए, जब क्यूब कराएंगे क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब। बेटा फॉर्मूले ठीक से याद करा करो, कुछ एक दिन किसी बच्चे का फोन आया था, वो बोल रहा था सर फॉर्मूला पता नहीं आपने क्या बताया, हमने कुछ अलग पढ़ लिया, आपको जो बताया था उसको ठीक तरीके सुना करिए, है ना, देखा करिए समझ करके, और जहां पे गड़बड़ी लगा करे तो आप उस वीडियो का नंबर लिखेंगे सर इस वीडियो में इस टाइमिंग पे इस टाइम से जब ये टाइम चल रहा था आपने ये बताया ये गलत है तो हमें पता चले हमने क्या गलत किया है, है ना, ऐसे नहीं कि अरे सर हमने तो ये पढ़ा था हमने वो, अरे आपने कुछ पढ़ा होगा इसे मतलब नहीं है। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब, देखो एक ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी में कंफ्यूजन था उस बच्चे को, ए प्लस बी का होल क्यूब और एक क्यूब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है, अंतर याद करिए समझिए ध्यान से, उसमें इधर उधर मत करा करिए अपना, आपके इधर उधर करने से दिक्कतें हो जाएंगी फिर बेटा, है ना, कंफ्यूजन ना रखिए, ये हमने लिखवाई भी है पढ़ाई भी है बताई भी है। अब मैं नाम लिखूं नया बच्चा था कोई पता नहीं आई डोंट नो, लेकिन कंफ्यूजन उसको था तो उसने फोन किया था, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका क्यूब क्या ले लाएगा, इसका क्यूब करिए जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर 125 के, चेक कर लो, ये ऐसे लिखा था एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस, ये और ये कट गया तो तीन बचे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम लोग, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख देंगे साइड में, बाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया पांच कट गया यहाँ पे, ये पांच से 15 हो जाएगा ना, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 माइनस 15 बराबर 110, देखो पहले भी निकली थी वैसे वैल्यू, तो ये टेक्निकली निकाली गई, पहले क्या किया गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली गई, ये निकल के आए उसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर उसका क्यूब कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल गई, अभी सारी वैल्यूज बन गई तो इक्वेशन नंबर इसको थर्ड नाम दे दिया। अब आइए अब सवाल का ऐसे उठा लीजिए, जो सवाल था उसको ऐसे उठा लीजिएगा, क्या सवाल था आपका एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये लिख दीजिए इसकी वैल्यू कितनी 110 माइनस 5 गुणे 23 है शायद इसकी वैल्यू, है ना, और प्लस 5 तो 115 माइनस 115 वैल्यू दी हुआ जाएगी, इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड ही आपके सामने, हमने दोनों मेथड को आपके सामने रख दिया, पहला भी रखा दूसरा भी रखा, ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि एक चीज आ गई दूसरे में नहीं सुनना चाहते, आप दोनों को इंप्लीमेंट करके देखिए कि अगर हम ऐसे फॉर्मूला बोले तो भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे करें तो लगेगा कि नहीं लगेगा, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, तब आप अच्छे से मैथ को समझ सकेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट करिए ठीक से अच्छे से फटाफट, कहीं कोई डाउट नहीं करना चाहिए किसी को भी, है ना, हाँ चलिए। बहुत बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को, अब दो तीन एग्जाम्पल और बचे हुए हैं क्योंकि टाइम कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे, आप ध्यान से बातों को सुनिए, हर चीज़ को अच्छे से कॉपी पे नोट करिए, अगर पहली बार वीडियो देखने में आप कॉपी पे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आराम से दोबारा देख करके नोट करिए, कॉपी को प्रॉपर मेंटेन रखिए, कभी भी कॉपी मंगाई जाए तो आप कॉपी टाइमली लेके आ सकें, ये नहीं होना चाहिए कि सर हमने भी बनाई नहीं, हम कभी भी आपकी जूम पे कॉपी देख सकते हैं, भाई आपकी कॉपी दिखाइए आप, पन्ने पलट पलट के दिखाइए आपने कितना होमवर्क किया कितना नहीं किया, ये सब चीज़ें आपसे हम देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे को दिख जाएंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो नंबर वन
वीडियो शुरू होने के पहले अटेंडेंस, वीडियो समाप्त होने के बाद में अटेंडेंस, ठीक। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ बच्चे सब्सक्राइब लेफ्ट, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये मत करें, नहीं करना छोड़ दीजिए, आप बार बार आप मेरे वीडियो को मत देखिए, ये नाटक नहीं करना है आपको, है ना। फिर जब उसको अरे सर मेरा छोटा भाई कर देता है, ये सब नहीं चल पाएगा, शायद छिप ही जाए, इनके साथ ही समस्या होती रहती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में अटेंडेंस, लास्ट में अटेंडेंस, बीच में जब हम बोलेंगे आप तुरंत अटेंडेंस लेंगे, हम आपके साथ लाइव रहेंगे। इसलिए कोई भी क्लास की स्ट्रेंथ हम नोट कर लिए हैं, उतने बच्चे मेरे को अटेंडेंस पे पूरे दिखने चाहिए, नहीं दिखेंगे अटेंडेंस मार्क्स अब्सेंट मार्क करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरनल पाएंगे। हम 6 नंबर 5 नंबर देने में भी परहेज नहीं करेंगे आपको, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, समझ गए। आप चाहे जितने अच्छे स्टूडेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप अटेंडेंस में लापरवाही करेंगे, टाइमली क्लास अटेंड करने में लापरवाही करेंगे, सिंसियर नहीं रहेंगे, बीच में आए फिर चले गए, आए चले गए, आए चले गए, वो सब दिखेगा मेरे को, एक एक चीज़ हम रिकॉर्डेड है। क्योंकि अगर बच्चा 40 बच्चा है और 40 मिनट का वीडियो है तो 1600 मिनट बनता है वॉच टाइम, वो तुरंत दिखेगा यूट्यूब पे, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, समझ में आ गया। और हम किसी भी समय पे, हम बीच में भी आपसे जूम ऐप पे कहेंगे अटेंडेंस के लिए आ सकते हैं या लास्ट में आ सकते हैं, किसी तरह से आप बिल्कुल तैयार रहिए, लापरवाही अब नहीं चलेगी। अब जो होना था, क्योंकि आप क्लासेस ऑनलाइन ही चलनी है तो आप वैसे ही चलनी चाहिए जैसे चलनी चलती हैं स्कूल में, ठीक, ओके।